हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू फॉर न्यू डिस्कशन टाइप टॉपिक। इसमें मैं बात करने वाला हूँ कि जो जॉब का क्राइसिस है वो कोरोना के बाद या कोरोना जब तक चल रहा है तो किस तरह का रहेगा। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डिमांड बेस्ड इकोनॉमी है। अब डिमांड बेस्ड इकोनॉमी का क्या मतलब वो समझते हैं। मान ली ऑटोमोबाइल सेक्टर है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिमांड कम हो जाती है, और ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल सेक्टर में अभी डिमांड्स कम होंगे क्योंकि लोग अभी अपनी जो उनकी इमीडिएट नीड्स होती हैं है ना, वही चीज़ खरीदना पसंद करेंगे, बाकी जो लग्जरी होती है उसमें वो नहीं जाना चाहेंगे। तो यदि ऑटोमोबाइल सेक्टर की डिमांड कम होती है तो क्या हुआ, ऑटोमोबाइल सेक्टर से कुछ लोगों को रिमूव कर दिया जाएगा। प्लस क्या होता है, मान ली एक मारुति या फिर कोई भी कार बनाने वाली कंपनी है, उस कंपनी से बहुत सारी वेंडर कंपनी अटैच होंगी, ठीक है। जैसे बैंडर कंपनी हम बोल सकते हैं कोई चैसिस बनाने वाली कंपनी होगी, कोई इंजन बनाने वाली कंपनी होगी, कोई गियर बनाने वाली कंपनी होगी, कोई ब्रेक बनाने वाली कंपनी होगी, कोई पेंट बनाने वाली कंपनी होगी, इसी तरह से मतलब सैकड़ों कंपनियां उससे अटैच होंगी। तो यदि इसकी डिमांड कम होती है ऑटो कार्स की तो कहीं ना कहीं उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा, गियर वाली कंपनी है आपका, ब्रेक वाली कंपनी, जो भी उससे रिलेटेड कंपनियां हैं, तो वहां से भी लोगों को रिमूव किया जाएगा या वो किसी तरह से उस चीज़ को बैलेंस करेंगे। अब आप देखो, एक गियर बनाने वाली कंपनी है उससे भी कुछ और अटैच कंपनियां होंगी, भाई गियर बनाने के लिए वो तो रॉ मटेरियल कहीं से ले रहा होगा, कहीं से वो लोहा परचेज कर रहा होगा, मशीन्स परचेज कर रहा होगा, तो उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा। अब वहाँ भी लोगों की छटनी स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ भी लोगों की छटनी स्टार्ट हो जाएगी, तो धीरे धीरे क्या होगा। अब आप एक चीज़ और समझिए, एक तो ये क्या हो रहा है कि इफेक्ट परकोलेट होता जा रहा है। जैसे मारुति बनाने वाली कंपनी थी वो उसका इफेक्ट गियर बनाने वाली कंपनी में चला गया, उसका इफेक्ट ब्रेक बनाने वाली कंपनी में चला गया, उसका इफेक्ट पेंट बनाने वाली कंपनी में चला गया, उसका इफेक्ट चेसिस बनाने वाली कंपनी में चला गया। और इसके अलावा क्या हुआ, जैसे मान लीजिए इसमें से लोग रिमूव होते हैं तो ये लोग भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर थे, ये भी कुछ ना कुछ दूसरी जो कंपनियाँ उनके लिए मतलब डिमांड का काम कर रहे थे, जो लोग रिमूव हो रहे थे उनको, वो भी उनको एसी की ज़रूरत होगी, फ्रिज की ज़रूरत होगी, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट वो खरीदते होंगे। तो जब लोग रिमूव हो जाएंगे कंपनी से, उनके पास जॉब नहीं रहेगी, तो क्या करेंगे वो, जो डिमांड बाकी जगह से जो उनको ज़रूरत के सामान है वो खरीदना बंद कर देंगे, फ्रिज खरीदना बंद कर देंगे, एसी खरीदना बंद कर देंगे, तो ये इफेक्ट कहीं ना कहीं दूसरी कंपनी में भी क्या होगा, परकोलेट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे गियर बनाने वाली कंपनी है तो उससे अटैच वेंडर्स होंगे और उनसे अटैच और भी लोग होंगे, तो कहीं ना कहीं एक जगह से लिंक टूट रहा है, तो वो इफेक्ट कहीं ना कहीं पूरे लास्ट तक परकोलेट हो रहा है। तो ये कहलाता है डिमांड बेस्ड इकोनॉमी, मतलब एक सेक्टर में यदि डिमांड कम होगा तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट पूरे सेक्टर्स में परकोलेट होगा। इसी तरह से मैं बात करूँ रियल इस्टेट की, पहले से हालत ख़राब थी तो रियल इस्टेट और भी दिक्कत क्रिएट हो जाएंगी इसमें, है ना। और रियल इस्टेट बेसिकली क्या, बैंक पे चल रहे हैं, तो यदि वो बैंक को लोन वापस नहीं करेंगे तो बैंक से उन पर अधिग्रहण कर लेंगी जो उनकी बिल्डिंग से, लेकिन अधिग्रहण करने से भी क्या होगा, बैंक के पास पैसा तो नहीं आएगा। तो अभी की यदि हम स्थिति की बात करें, आज की डेट की स्थिति की बात करें, तो अभी क्या होने वाला है, अभी जैसे न्यूज़पेपर में वगैरह में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 10 करोड़ 12 करोड़ लोग जॉबलेस हो जाएंगे यदि इसी तरह की स्थिति चलती रही। तो यदि जॉबलेस हो जाएंगे 10 12 करोड़ लोग, तो ये इकोनॉमी में बहुत बड़ा चेंज क्रिएट करेंगे। अभी एक तो ये है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से भी उनको मतलब जॉब को सस्टेन करना या कंटिन्यू करने में दिक्कत है, तो नए लोग जो पास आउट होंगे, जो डिप्लोमा करके बच्चे जाएंगे या बीटेक करके बच्चे जाएंगे, तो उनको इस टाइम पे अभी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अभी जैसे स्पेसिफिक हम बात करें तो 10-12 करोड़ लोगों की जॉब मतलब बोल रहे हैं कि जॉबलेस हो जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, 10-12 करोड़ ये जॉबलेस हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो डिमांड है, उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो चीज़ें परचेज़ करना कम कर देंगे। तो चीज़ें जैसे मान ली उन्होंने एसी परचेज़ करना कम कर दिया, तो एसी की डिमांड हुई कम हुई, तो एसी की कंपनी जो लोग काम कर रहे होंगे उन लोगों को रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर उससे तो ये इफेक्ट कहीं ना कहीं परकोलेट होता जाएगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो लोग इस टाइम पे पास आउट हो रहे हैं तो उनके लिए एक डिफ़िकल्ट टाइम है, लेकिन अभी इसमें क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि लोगों को कहीं ना कहीं अपना सेटअप
खोलने की सोचना चाहिए, मतलब छोटा सा भले ही अपना कोई वेल्डिंग का या मैकेनिकल का, यदि मैं बात करूं वेल्डिंग का खोलने, एसी रिपेयरिंग का या कुछ, तो इस कुछ ना कुछ अपना करने की सोचने की ज़रूरत है। और यदि कहीं उनका जुगाड़ है, रेफरेंस है कहीं, तो उनको उसको मतलब ट्रेस करना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए, जिससे उनका जॉब कहीं ना कहीं मिल जाए। अदरवाइज जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। तो मतलब मेरा मोटे मोटे तौर पे क्या कहना है कि जो डिप्लोमा के कैंडिडेट्स हैं, बीटेक के कैंडिडेट्स हैं, उनको जॉब्स के लिए अभी से ट्राई करना स्टार्ट कर देना चाहिए। यदि उनके कोई एक्वेंटी हैं, परिचय वाले हैं, तो उनसे बातचीत करना स्टार्ट कर देना चाहिए। कहीं कंपनी में उनका जुगाड़ हो सकता है तो वहाँ पे उनको बातचीत करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उनको कुछ अपना भी, ये भी आइडिया क्रिएट करना चाहिए कि वो अपना खुद का कुछ सेटअप बना सकें। उनको खुद का सेटअप बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स करना चाहिए। कुछ मतलब उनको देखना चाहिए कि सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकें, तो इसी तरह से मतलब कुछ नया निकाल सकते हैं। तो ये था, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।